हेलो एंड नमस्ते, एक बार सबका फिर से इसमें स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जीवन पूरा एनर्जी पर निर्भर करता है। हम हर काम में, यहाँ तक कि छोटा सा काम जिसमें कि टूथब्रश भी करते हैं, तो उसमें पेस्ट और टूथब्रश और कांच और जो वॉश बेसिन और पानी, कितने सारे साधन हैं जो हम उपयोग करते हैं, और ये सब में एनर्जी लगती है। तो एनर्जी हमारे जीवन का, दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गए और इसके बिना रहा नहीं जा सकता। जितना एनर्जी का उपयोग करते हैं देश में, उतनी ही आर्थिक प्रगति होती है और सामाजिक प्रगति भी होती है। परंतु साथ साथ एनर्जी के कई सारे नुकसान भी हैं। जैसे एनर्जी का उपयोग करने के कारण, खास करके जो अभी हम एनर्जी का उपयोग करते हैं फोसाइल एनर्जी का, उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम फोसाइल फ्यूल जो हैं, कोल और पेट्रोल और डीजल आयात करते हैं दूसरे देशों से, उसमें देश की सिक्योरिटी को खतरा है। और एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, ये सारे कई सारे मुद्दे हैं जो सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो क्या उचित सॉल्यूशन है? इसका सबसे उचित सॉल्यूशन है, क्यों ना हम जो ऊर्जा का साधन जो अनंत काल से है, वो जो अनंत काल तक रहने वाला है, सोलर ऊर्जा, क्यों ना हम सब उसका उपयोग करें। हम ये भी जानते हैं कि सोलर ऊर्जा या जो उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति हुई है, एफिशिएंसी बढ़ी है, कीमतें घटी है, परंतु फिर भी सोलर एनर्जी का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसके कई सारे भ्रम हैं, भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है अभी का, इस वीडियो का, वो लोगों को लगता है कि सोलर एनर्जी में कई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और ये बात एकदम बिल्कुल गलत है। इसमें कई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पार्ट है जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी इक्विपमेंट है जिसमें कुछ भी चीज़ मूव नहीं होता, उसके मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट वैसे ही बहुत कम होती। फॉर एग्जांपल, यदि आपके घर में एक टेबल है जिसमें कुछ मूव नहीं होता, आप स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल को मेंटेनेंस करने के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। परंतु जैसे आपकी गाड़ी है जिसमें मूविंग पार्ट्स है, उसका व्हील चलता है, उसके गियर चलते हैं, ये सारा जो मूविंग पार्ट है, ये मूविंग पार्ट को हमेशा ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो कोल पावर प्लांट ले लें, हाइड्रो पावर प्लांट ले लें, न्यूक्लियर पावर प्लांट ले लें, हर पावर प्लांट में टर्बाइन चलते हैं, रोटेट होते हैं, जनरेटर्स चलते हैं, मूविंग पार्ट्स है, तो उनको मेंटेनेंस लगता है। परंतु सोलर पावर प्लांट में कुछ भी मूविंग नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है कि एक नॉर्मल सोलर सा सेल लिया और उसके ऊपर सनलाइट गिराया तो उसका आउटपुट हमें बिजली प्रोड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट कई बार तो मुझे लगता है कि एक मैजिक की तरह, जादू की तरह। तो चूंकि कुछ मूविंग पार्ट नहीं है, तो कुछ ऑयल की ज़रूरत नहीं है, कुछ ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम लगता है। तो और क्या मेंटेनेंस लगता है? जैसे हम घर में धूल जम जाती तो उसको साफ़ सफाई करना पड़ती है, वैसे ये सोलर पैनल है जो छत पर रखा रहेगा या कहीं ज़मीन में लगा रहेगा, तो चूँकि उस पर हमेशा एक्सपोजर रहेगा वातावरण का, तो उस पर धूल जमती रहेगी। तो सिर्फ एक जो मेंटेनेंस आपको करना होता है वो है क्लीनिंग का। यदि आप इसका रेगुलर क्लीनिंग करते रहें तो ऑलमोस्ट जीरो या नो मेंटेनेंस पे आपका सोलर का सिस्टम चलता रहेगा, और इसकी लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। जो मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल के, वो करीब 25 से 20 से 25 साल की वारंटी देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में आपने ऐसा कोई इक्विपमेंट खरीदा होगा जिसमें 20 से 25 साल की वारंटी मिले। तो लो मेंटेनेंस है और वारंटी भी लंबी है। हाँ, इसके साथ यदि हम बैटरी स्टोरेज करते हैं, यदि हम बैटरी साथ में लगाते हैं, हमारे स्टैंड अलोन सिस्टम बनाते हैं, किसी से कनेक्शन नहीं रखते हैं, तो बैटरी के लिए मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जो लेड एसिड बैटरी है उसमें 5 साल के बाद रिप्लेसमेंट लगता है, उसमें थोड़ा मेंटेनेंस, जो एक बैटरी होती है जिसमें पानी चेंज करना पड़ता है, परंतु उसके भी अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। कई सारे जो बैटरी होते हैं, जो सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोलते हैं, उसमें पानी भी चेंज नहीं करना पड़ता, एक बार आपने बैटरी लगा दिया तो भूल जाओ। और भी दूसरे अल्टरनेटिव आ रहे हैं बैटरी के लिए, जैसे लिथियम फेरोफास्फेट है, उस बैटरी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है और पानी भी नहीं लगाना पड़ता। तो कुल मिला के देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, बैटरी
कि में जो मेंटेनेंस लगता था या बैटरी की जो कम लाइफ थी वो भी बढ़ती जा रही है। तो सोलर पैनल तो मेंटेनेंस फ्री है ही और उनकी लॉन्ग लाइफ तो है ही, साथ में जो उसके एसेसरीज हैं, साथ में जो दूसरे कंपोनेंट लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, कभी कभी बैटरी लगता है यदि हम स्टोर करना चाहें, उनकी लाइफ भी बढ़ती जा रही है और उनमें भी बहुत कम मेंटेनेंस से काम हो जाता है। 5 साल बहुत आसानी से आप बैटरी की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20 से 25 साल बहुत आसानी से आप सोलर पैनल की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 से 10 साल बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेंटेनेंस वाला जो भ्रम था वो अभी नहीं रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, बहुत ईजिली मेंटेन की जा सकती है और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी आप पूरे सिस्टम को खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। तो यदि आप वातावरण के प्रति सचेत हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप पॉल्यूशन का हिस्सा ना बने, आप सॉल्यूशन का हिस्सा बने, यदि आप चाहते हैं कि आप क्लाइमेट चेंज से रोकें, तो बिना किसी देरी के जरूर सोलर सिस्टम को पूरी तरह अपनाएं और इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेने से मुक्त हो जाएं और अपना योगदान पृथ्वी के वातावरण को सुधारने में लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भ्रम आपका जो मेंटेनेंस का था वो दूर हुआ होगा और इस भ्रम के दूर होते ही आप एक कदम आगे सोलर के उपयोग के लिए बढ़ेंगे। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिस मिलता रहे, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें, आपके कुछ प्रश्न रह गए तो मैं उसका जरूर जवाब देना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भ्रम से दूर हो सके, उनको ये नॉलेज मिल सके और हम सब लोग सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकें। मुझे लगता है हमें एक आंदोलन की जरूरत है, एक एनर्जी स्वराज लाने की जरूरत है, और एनर्जी स्वराज मतलब हम सब लोग अपनी एनर्जी खुद जनरेट करें, अपने छत पे खुद प्रोड्यूस करें, खुद उपयोग करें, ताकि हमारी दूसरों पे आत्मनिर्भरता नहीं रहे, ताकि हमारे देश की दूसरे देशों पे आत्मनिर्भरता नहीं रहे, ताकि हम वातावरण में पॉल्यूशन फैलाने के जिम्मेदार नहीं हो, हम लोग पॉल्यूशन के जिम्मेदार नहीं हो, हम लोग सॉल्यूशन के हिस्सेदार बने। तो एक बार जरूर ये प्रयास जारी रहेगा और अगले बार फिर मैं एक दूसरा जो कंसेप्ट है सोलर एनर्जी में आपका कोई भ्रम है तो उसको दूर करने के लिए जरूर आऊँगा। आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो जरूर देते रहें और इसको लाइक शेयर करके प्रमोट करते रहें।